उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की ओर से उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि यूटीईटी के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट यहां पर 30 सितंबर जैसा कि आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाए, और पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको आप यहां से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप इसे चेक कर पाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो यहां पर एक बार क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना होगा, और साथ ही साथ ये भी कि अगर आप नया पंजीकरण कर रहे हैं तो ये प्रक्रिया क्या होगी। सबसे पहले जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, आप सारी बातों को हिंदी में पढ़ पाएंगे। जनरल और ओबीसी की जो फीस है ये 600 रुपये है। अगर दोनों पेपर के लिए आवेदन करते हैं तो मात्र 1000 रुपये फीस आपको देनी होगी। एससी एसटी और डिफरेंसली एबल्ड पर्सन के लिए यानी कि पीएच कैंडिडेट के लिए फीस एक पेपर की है 300 रुपये, दोनों पेपर की है 500 रुपये। और अभ्यर्थी जो है वेबसाइट पर 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के मध्य अपना आवेदन कर सकते हैं, और ये जानकारी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन करिएगा। नीचे एक्नॉलेजमेंट पर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो आवेदन फॉर्म है खुल जाएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बाकी की चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है, कैप्चा कोड, और इसको सबमिट कर देना है। आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा, देन आफ्टर आप फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। और ये नोटिफिकेशन भी आप पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज रहा हूँ, तो वहाँ से जाकर इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या सीधे सीधे आप वेबसाइट से आकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलेगा इस पॉइंट पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट जैसा कि नहीं होती है तो नहीं है। और उत्तराखंड की जो परीक्षा होगी यूपी यानी कि उत्तराखंड टीटी की, तो ये 26 नवंबर को परीक्षा होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। 26 नवंबर को ये दोनों पेपर होंगे, और यहाँ पर फीस बताई गई है साथ ही साथ। अच्छा हाँ, एक बात और भी, करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे, तो पेमेंट से पहले ही जो कुछ करना है कर लीजिएगा। पेमेंट करने देने के बाद फिर आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर पेमेंट आपने कर दिया, कुछ गलती हो गई, सुधारना है, तो फिर से आपको नया फॉर्म भरना होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक सवाल और भी लोगों के आ रहे हैं कि क्या अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये उत्तराखंड टीटी तो है ही है, तो अगर आप यूपी, बिहार या अदर स्टेट से हैं तो क्या आप उत्तराखंड टीटी में आवेदन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं यूटीईटी 2021 के अंतर्गत। हेल्पलाइन पर मैंने बात करी थी और बातचीत जो हुई है वो आप यहाँ पर सुन सकते हैं, तो मेरी जो बात हुई है वो आप सुनिए। उत्तराखंड टीटी में क्या अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ या फिर बिहार से हूँ, तो मैं उत्तराखंड टीटी दे सकता हूँ? जी हाँ, आप दे सकते हैं सर। थैंक यू मैम, बस इतना ही पूछना था मैम, थैंक यू। तो हेल्पलाइन पे मेरी बात हुई थी और जो रिकॉर्डिंग थी वो मैंने आपको सुनाई, और डेफिनेटली ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तब आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।